साल 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के कैंप पर आतंकी हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 ने आतंकी ट्रेनिंग कैंप को जमींदोज कर दिया था। ये कहानी तो आपको पता ही होगी, लेकिन उस मिराज के साथ 4 सुखोई विमान भी उड़े थे। क्या थी पाकिस्तान को बंदर की तरह नचाने की वो कहानी, देखिए टेली सीरीज का एपिसोड कपीश द सर्जिकल थंडर। फरवरी 2019 उत्तर भारत में वायुसेना का बेस, समय आधी रात के बाद। भारतीय वायुसेना के एयरबेस का सन्नाटा फाइटर जेट्स के इंजन की दहाड़ से टूटा। एक के बाद एक 4 सुखोई 30 विमानों ने उड़ान भरी। उनकी दिशा थी जोधपुर की ओर। विमान उड़ा रहे पायलट्स के अलावा वायुसेना के सिर्फ चुनिंदा अधिकारियों को ही मालूम था कि ये कोई अभ्यास उड़ान नहीं है। इंडियन एयरफोर्स के सुखोई फाइटर्स जोधपुर से अचानक पंजाब सीमा की ओर बढ़े तो पाकिस्तान के रडार अलर्ट हो गए। पाकिस्तानी वायुसेना की एयर पेट्रोल यूनिट को एक्टिव कर दिया गया। कुछ देर तक पाकिस्तानी वायुसेना को छकाने के बाद चारों सुखोई विमान इंटरनेशनल बॉर्डर पार किए बिना वापस मुड़ गए। पाकिस्तान अपनी इस कामयाबी पर फूल कर कुप्पा हो रहा था। तब उसे भनक भी नहीं थी कि उसे भारतीय वायुसेना ने बंदर बनाकर नचाना शुरू कर दिया है। जी हां, बंदर भारतीय वायुसेना के उस मिशन का यही कोड नेम था, जिसे अंजाम देने की जिम्मेदारी उन चारों सुखोई विमानों की नहीं थी। सुखोई विमान तो सिर्फ पाकिस्तान को चकमा देने के लिए उड़ाए गए थे और उन्हीं के पीछे से उड़ान भरी थी मिराज 2000, जिसमें 2000 पाउंड के स्मार्ट प्रिसाइज इंपैक्ट कॉस्ट इफेक्टिव यानी स्पाइस बम लोड किए गए थे। मिराज 2000 के साथ वायुसेना का स्वदेशी अर्ली वार्निंग सिस्टम नेत्रा और टारगेट पर नजर रखने के लिए IAI हेरॉन ड्रोन भी उड़ चुके थे। हवा में ही ईंधन भरने के लिए इंडियन एयरफोर्स का IL-78 भी था। पाकिस्तान जिस वक्त लाहौर और बहावलपुर में भारतीय वायुसेना के सुखोई विमानों से उलझा हुआ था, उसी समय मिराज 2000 ने पहले LOC पार किया और फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट की ओर झपटा। वहां उसका टारगेट था जैश ए मोहम्मद का आतंकी ट्रेनिंग कैंप। पाकिस्तानी वायुसेना जब तक कुछ कर पाती, उससे पहले ही भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 ने बालाकोट में आतंक के अड्डे पर एक के बाद एक 4 बम गिराकर उसे जमींदोज कर दिया। ये भारत का बदला था। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ की बस पर हुए आतंकी हमले का बदला, जिसका मकसद पाकिस्तान को यह संदेश देना था कि अगर वो नहीं सुधरा तो भारत उसे जमीन से आसमान कहीं से भी ऐसे ही सबक सिखाता रहेगा। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और इस साल फरवरी में एयर स्ट्राइक के बाद आतंक के आंकड़ों को समझ आ गया है कि ये पुराने वाला भारत नहीं है। ऑपरेशन बंदर इस मायने में ऐतिहासिक था क्योंकि 1971 की जंग के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर वार किया था।